माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पर्ची पर बोलने का मौका दिया। मैं सबसे पहले आपके माध्यम से राजस्व मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि बहुत से ऐसे मेरे विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़ और पूरे जिले में प्रकरण है जो कटानी रास्ता स्टेट के टाइम में एक लाइन दर्शित थी और अब दो लाइनें दर्शित कर रखी है। एक ही रास्ता अगर दो या तीन गाँव से गुजरता है तो दो में कटा हुआ है, एक में नहीं कटा हुआ है, वहाँ रास्ता रोक दिया जाता है और गंभीर समस्या किसानों के लिए आगमन के लिए पैदा होती है। इसलिए इसको रिकॉर्ड दुरुस्ती और रिकॉर्ड संशोधन के नाम से SDO कोर्ट में बरसों लगता है। इसलिए आप सभी प्रकरणों को चिन्हित करके और उपखंड स्तर पर इनको रिटेनेंसी एक्ट की धारा 55 के तहत इसमें कैंप लगा करके इनका संशोधन राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कराया जाए। दूसरा प्रश्न मेरा यह है नामांतरण संबंधी। नामांतरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के धारा 133 और 135 के अंतर्गत पहचान और उसका नामांतरण दर्ज कर तस्दीक करने का प्रावधान है। नामांतरण दर्ज कर तस्दीक करने की प्रक्रिया राजस्व लैंड रिकॉर्ड 1957 में दी गई है, जिसमें हल्का पटवारी दर्ज करता है, गिरदावर जांच करता है, ग्राम पंचायत तहसीलदार तस्दीक करता है और उसके बाद उसका जमाबंदी में रिकॉर्ड में नाम दर्ज होता है। लेकिन अब क्या हो रहा है, एक नई व्यवस्था आई है, उसमें जैसे ही यहाँ विक्रय पत्र संपादित हुआ, तहसीलदार को पेश किया, सीधा ही वो तत्काल जमाबंदी में अपने आप बगैर जांच दर्ज होता जाता है। ये पंजीयन विभाग द्वारा किया गया है, जबकि पंजीयन विभाग को इस प्रकार की व्यवस्था करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए राजस्व अधिनियम के अंतर्गत ही ऑनलाइन राजस्व रोल रिकॉर्ड 169 में नामांतरण ऑनलाइन दर्ज करने का प्रावधान है, उसको ही लागू रखा जाए और 251 और 251A में तत्काल रास्ता खोलने की व्यवस्था है। 30 दिन में तहसीलदार को रास्ता खोलना चाहिए। किसान इतने परेशान हो रहे हैं, इतने मुकदमेबाजी बढ़ रही है। मैं चाहूँगा कि आलो राजस्थान के तहसीलदार को निर्देश जारी करें कि 251 का फैसला 1 मंथ में करें, नहीं तो उनके खिलाफ अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। नहीं तो पूरे राजस्थान में हमारे किसानों में रास्तों को लेकर के और सीमाओं को लेकर के झगड़े हो रहे हैं। इस बात को मैं सदन में आपके सामने माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से रेवेन्यू मिनिस्टर महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि तत्काल इसके आदेश जारी किए जाने चाहिए कि इनका निस्तारण 30 डेज में हो। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री अरुण चौधरी।